जो बेसिकली आप देख रहे हैं ना गार्बेज, इसके अंदर जो लोग अपने घर के अंदर बिन्स के अंदर लोग छोड़ देते हैं बर्गर्स या स्नैक्स या चपाती या छोले राजमा जो भी उनके घर पे होता है, तो बच्चों को मैंने यहाँ पर वो खाते हुए देखा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खिचड़ी द न्यूज़ चैनल। मैं हूं अंकित वर्मा। इस वक्त मैं हूं दिल्ली की शकुर बस्ती के गार्बेज डंप एरिया में, जहां पर आप देख सकते हैं एक एनजीओ है, इनका नाम है निर्भव लाइफ सेवियर, और ये पिछले कई सालों से लोगों की इसी तरह से सेवा कर रहे हैं, इसी तरह से हेल्प कर रहे हैं, और जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से और ज़्यादा सक्रिय हो गया है ये एनजीओ। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से एनजीओ स्टार्ट किया गया, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, जिन्होंने स्टार्ट किया था उससे भी आपको मिलवाऊंगा, लेकिन पहले आप देख लीजिए किस तरह से ये सेवा करते हैं, किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। ये एक पूरी टीम है निर्भव लाइफ सेवियर्स की, खाने पीने के लिए सामान लेकर आते हैं, राशन लेकर आते हैं इन लोगों के लिए। सबसे बड़ा स्लम एरिया है, शकुर बस्ती बोलते हैं इसको। ठीक है, अंदर जा रहे हैं, ये देखिए अपने एक रिक्शा पर सामान लेकर ये जा रहे हैं, और अंदर जाकर ये लोगों को सामान देंगे, उनकी मदद करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये मदद ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, और भी आगे भी ये मदद पहुंचा रहे हैं, और कहां कहां जाने वाले हैं दिल्ली में मैं ये भी आपको बताऊंगा किस तरह से लोगों की और मदद करते हैं, आप किस तरह से इनके साथ जुड़ सकते हैं ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मदद के बारे में पता चल सके, लोगों को ये समझ आए कि उनको भी आगे बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करनी चाहिए, इस कोरोना काल में हो चाहे वैसे हो, किस तरह से ये लोग रहने को मजबूर है। देखिए पूरी शकुर बस्ती इसको कहते हैं, और ये स्लम एरिया है, गार्बेज डंप एरिया है। देखिए ये राशन का सामान ये बांट रहे हैं लोग। लोगों को जैसे ही पता चला मदद के लिए कुछ लोग आए हैं, ये आ रहे हैं मदद लेने के लिए। जसप्रीत क्या क्या दे रहे हैं इन लोगों को? हम इनको अभी नमक, आटा और राइस जो दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं अभी हाल फिलहाल, और बाकी जो इनकी नीड्स की चीज़ें होती हैं जैसे कपड़े हो गए, तेल वगैरह हो गया, तो उसके लिए एक अलग डे रखते हैं हम, जिसमें तेल और राइस, सॉरी अपना दाल राजमा जो अलग डे होता है, वैसे आज इनको नमक, राइस और आटा थे। आप आज कितने लोगों की सेवा करने वाले हैं, कि कितने लोगों को ये देने वाले हैं? डेली बेसिस पे 100 से 120 किट्स हम रोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, जिसमें सब कुछ होता है, नमक होता है और आटा होता है, चावल होता है, तो बाकी जो चीज़ों की जो चीज़ें नीडफुल वाली चीज़ें होती हैं उनका एक अलग से डे रखते हैं एक दिन, उसमें वो सबको। क्या ये इनिशिएटिव है, इन्होंने शुरुआत की है इस एनजीओ की, और किस तरह की मदद करते हैं लोगों की, ये भी आपको आगे बताऊंगा, पहले देखिए कैसे मदद कर रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं उस शख्स से जिसने ये एनजीओ स्टार्ट किया है, और उनसे पूछते हैं आखिर किस मंशा से, किस तरह से उन्होंने ये स्टार्ट किया, और कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, और आप कैसे जुड़ सकते हो उनके साथ। बात करते हैं जसप्रीत से। जसप्रीत यार, मैंने देखा आप किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले तो सीरियसली बड़ा इंस्पायरिंग है, ये इंस्पिरेशनल चीज़ है बहुत ज़्यादा। अब ये बताओ कि जसप्रीत कैसे स्टार्ट किया आपने एनजीओ? ये एनजीओ जो है 2011 में स्टार्ट हुई थी इन अक्टूबर। ये मैंने अपने फादर साहब के साथ, हम जैसे हर वीक जो जैसे लंगर बांटने जाते थे, तो उधर हमने देखा कि ये लंगर बांटते उनको मेडिकल की आइटम्स भी बहुत चाहिए, जैसे उनको कोई ड्रेसिंग करने वाला नहीं है, उनको कोई मेडिसिन देने वाला नहीं है, तो उस टाइम पे तब मेडिकल की हेल्प से हमने स्टार्ट किया था इसको। अब वो 2011 अक्टूबर से लेके अभी तक वो, अब चाहे मेडिकल हेल्प हो, चाहे वो किसी की डेड बॉडीज़ की क्रिमिनेशन सेवा हो, चाहे वो लंगर की सेवा हो, चाहे वो फ्री एम्बुलेंस की सेवा हो, तो या किसी के फ्री ऑपरेशंस की सेवा हो, या फ्री किसी की मैरिज करवाने की सेवा हो। तो आप ये पहले से ही करते आ रहे हैं, कोरोना से पहले 2011 से आप स्टार्ट? 2011 अक्टूबर, 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। ओके, स्टार्ट हुआ था। अब आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? ये टोटल जो टीम है वो 27 लोगों की टीम है ऑल ओवर दिल्ली में, और दिल्ली के बाहर भी हमारे पास हैं, इवन दुबई में भी हम सेवा करते हैं। जो लोग यहाँ से, जो एजेंट्स जिनको रिफ्यूजी बना के ले जाते हैं यहाँ से, गलत बोल के ले जाते हैं कि ख्वाब दिखा के कनाडा और यूएस के लिए, तो कई लोग बहुत फंसे हैं दुबई में, तो उनको रोज़ मील पहुँचाते हैं, और इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर और कैलकाटा के अंदर भी हम मील पहुँचाते हैं लोगों को। जैसे अब ये डंप एरियाज़ देख रहे हैं, तो ऐसे डंप एरियाज़ को हम ज़्यादातर कवर करते हैं।
अच्छा, अगर कोई अभी आपके साथ जुड़ना चाहे इस कोरोना काल में या वैसे भी कोई सेवा करना चाहे, लोगों की हेल्प करना चाहे, तो वो कैसे जुड़ सकता है आपके साथ? बिल्कुल जुड़ सकता है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारा फेसबुक पेज है, आज के टाइम पे तो सबसे बड़ा जुड़ने के लिए सोशल मीडिया है, तो निर्भव लाइफ सेवियर्स के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वो उधर पर्सनली मैसेज करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है, उस पर ही सारे लिंक्स हैं हमारे डोनेशन के लिए। अगर कोई फिजिकली आके सेवा करना चाहता है तो आप उसी पर ही वो अपडेट ले सकता है, और जैसे रेंडमली कोई भी आ सकता है हमारे साथ सेवा करने के लिए, बट एक डिक्लेरेशन फॉर्म हम फिल करवाते हैं कि अगर जैसे आजकल आपको पता है पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए या उसको, जैसे इतनी आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी है पीछे, तो उसमें कुछ फ्लाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, तो हम उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म एक फिल करवाते हैं कि अपनी जिम्मेवारी पर लोग सेवा करें आके, बाकी हम जितनी हम उनकी केयर कर सकते हैं हम करते हैं, बाकी आप देख ही दिए सारे वॉलंटियर्स हैं, सबने ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, और टोटली सब जो है ऑलरेडी ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड है। पहले ऑक्सीजन का भी एक कैंप लगाया था, शायद लोगों को काफ़ी चीज़ें, वन मंथ पहले जिसके पास पैसा था वो भी धरा का धरा रह गया, लोगों के पास पैसा भी उनका काम नहीं आया कि ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी पूरे दिल्ली में। सो ऑक्सीजन को उस टाइम पे हमने एक कैंप लगाया था, फ्री कैंप, जो 24/7 हमारा फ्री ऑक्सीजन कैंप था, उसमें चाहे गरीब अमीर किसी की जाति पाति नहीं देखी जाती थी, हर कोई वहाँ पर उसने विजिट किया, और ऑलरेडी हमने 327 के आसपास लोगों को ठीक किया वहाँ पर, और जिसमें से कुछ 96 के आसपास जो डेड बॉडीज थी वो हमने फ्री क्रिमिनेट करी है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड, नॉट लास्ट ईयर। आने वाले टाइम पे जो अभी ये डंप एरिया में देख रहे हैं बच्चों के, जो फ्यूचर जो है यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है, जिसमें ज़ीरो में आप एक स्टडीज़ को लेके नहीं कह सकते, आप उनका जो खाने का भी उनका जो है वो दो टाइम उनको खाना भी नहीं मिल पाता। तो हमारा बेसिकली यही मोटिव है, जो हम ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं ना गार्बेज, इसके अंदर जो लोग अपने घर के अंदर बिन्स के अंदर लोग छोड़ देते हैं बर्गर्स या स्नैक्स या चपाती या छोले राजमा जो भी उनके घर पर होता है, तो बच्चों को मैंने यहाँ पर वो खाते हुए देखा है, निकाल के उनके फादर मदर वो निकाल के देते हैं उसको साफ करके, कि वो छोले निकले हैं तो राजमा निकले हैं, बर्गर निकले, जो हम बर्गर छोड़ देते हैं, तो वो लोगों को खाते हुए देखा है यहाँ पर। तो बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि इनको एक प्रॉपरली इनको मील पहुँचाना, और एक इनको फ्री एजुकेशन के अंदर जितना मतलब मेडिकल, जितने ड्रगिस्ट बैठे होते हैं रोड के कॉर्नर्स पे और जितने भी रोड के कॉर्नर पे बैगर्स बैठे होते हैं, उनको फ्री मेडिकल देना, चाहे उनको पट्टी करने का, चाहे उनको लंगर देने का, चाहे उनके ऑपरेशंस कराने का, हमारा मेन मोटिव। जसप्रीत, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदद भी करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़े बड़े रईस भी बैठे हैं, लेकिन आप अपने माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, किस तरह से वो आगे आएं, किस तरह से हेल्प करें, और क्या कहना चाहोगे आप लोगों से, क्या अपील करना चाहोगे? देखो, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम वॉलंटियर्स के भी पैसे कम पड़ जाते हैं, कि डोनेशन भी कम पड़ जाती है। आज के टाइम पे कई लोग ऐसे हैं कि जो अगर 10,000 अर्न करता है ना, तो वो 3,000-4,000 हमें डोनेशन देने का हिम्मत रखता है। ऐसे लोग हैं और कई लोग ऐसे हैं कि चलो अर्निंग उनकी काफ़ी अच्छी है और वो 500 देते भी वो ये कहते हैं कि हमें रिसीविंग चाहिए, 10 चीज़ें बट हम इस चीज़ को नहीं करते, हम ये कि जितना हमारे पास आता है या हम अपनी साइड से वॉलंटियर्स जो करते हैं। जो लोग देख रहे हैं हमारा चैनल, उनके लिए कैसे आप इंस्पायर कैसे करोगे? आप एक बारी, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक आपके चैनल, एक आप सबसे पहले तो थैंक यू, आपके थ्रू एक हमारा मैसेज पूरे दिल्ली में जा रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जा रहा है। सेकेंडली वो फिजिकली एक बार आके देखे कि ग्राउंड जीरो पे पोजीशन क्या लोगों की, पोजीशन क्या, वो ये सोचे कि अगर हम 3 रोटी 3 चपाती खाते हैं, तो अगर हम एक चपाती कम खा लेंगे या एक चपाती एक्स्ट्रा बनवा के अगर हम इनको दे देंगे, तो उनका आप एक बार आके स्माइल देखिए, उनको सुकून देखिए, उनका फिजिकली आके ये आपको फील हो सकता है। आज आप भी आए हैं तो आपको शायद फिजिकली पता चल रहा होगा कि इन बच्चों की कंडीशन कैसी है या इस फैमिलीज की कंडीशन कैसी है, आपको आधे से ज़्यादा जो है ना कूड़े के ऊपर से चल के जाना पड़ा। हाँ, मैंने देखा, मैं तो आज आपके घर में अगर थोड़ा सा भी कूड़ा एक्स्ट्रा हो जाए तो आपके घर में कितनी स्मेल हो जाती है और आप कैसे बिल्कुल रह नहीं पाते। मैम भी दिखाई दे रही है, उनसे बात करना चाहूँगा, एक बार उनको बुला लीजिए। साथ इस एनजीओ के साथ कब से कब जुड़ी थी? ये हो गया है, 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए जी। आपको कैसे लगा कि इनके साथ आपको जुड़ना चाहिए, इनके साथ सेवा करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए लोगों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन की सेवा की, ठीक है, कई लोगों की बहुत हेल्प हुई, लोग बहुत परेशान थे, तो मुझे लगा कि नहीं हमें भी बच्चों के साथ हेल्प करनी चाहिए, इनके साथ जुड़ना चाहिए। आपकी एज क्या है? मेरी है 51 जी।
और हर एज के आपके साथ लोग हैं, थोड़े कम एज के भी हैं, थोड़े ज़्यादा के भी हैं। इंस्पायरिंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने खुद यहाँ पर आके देखा है, जसप्रीत के साथ मैं चला हूँ। ये शकुर बस्ती है, झुग्गी बस्ती है, यहाँ पर लोगों के पास खाने को नहीं है सीरियसली, और अपनी ज़िंदगी गुजर बसरने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जसप्रीत और उसकी जो NGO है, उसकी जो पूरी टीम है, यहाँ पर आकर सेवा करती है। आप लोग भी जुड़ सकते हैं। जसप्रीत, फाइनली क्या कहना चाहेंगे आप? यही लास्ट है कि अगर आप 100 rupees अर्न करते हैं तो उसमें से सिर्फ 1 rupee निकालिए। 1 rupee निकालने से अगर आप एक टॉफ़ी किसी गरीब बच्चे को देंगे ना, तो उसकी स्माइल जो है ना, वो आपको मिलियंस के आसपास आपको एक फील कराएगी कि मैंने कितना मिलियन डोनेट कर दी है। तो सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ग्राउंड जीरो पे आके देखिए, क्योंकि इस बैड कंडीशन, बैड सिचुएशन के अंदर सच्ची में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बिल्कुल डायरेक्ट वे आपको ग्राउंड जीरो पे लेके चलते हैं। हमें डोनेट ना कीजिए, आप डायरेक्ट डोनेट आके कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए 9919009697 इज़ माई नंबर, आप उस पर आके व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट किए, व्हाट्सएप से आप कनेक्ट हुई हमारे साथ। और एक हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, वो आपका लिंक जो है हम आपके साथ अटैच करवाएंगे, और एक फेसबुक हमारा लिंक है, वो आपके साथ अटैच करवाएंगे। सो यू कैन कनेक्ट ईजिली। और सेकेंडली, आप एक बार आके प्लीज़ देखिए, अगर आप अपने बच्चों को रोटी देते हैं या आप अपने ग्रैंड को, अपने पेरेंट्स को रोटी देते हैं, तो एक रोटी, सिर्फ एक चपाती फ्रॉम एवरी वन होम, एक चपाती आप डोनेट करके देखिए, तो आप शायद आप वो खुशी कभी ज़िंदगी में आपने फील नहीं की। जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर आकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रही हैं, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं जसप्रीत और उसकी NGO के साथ, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कैसे आपको जुड़ना है। जसप्रीत ने अपना फ़ोन नंबर बताया है, निर्भव लाइफ सेवियर्स इनकी NGO है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए, मदद कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।